डायरेक्टर का, और एक गांव से भोले भाले तीन व्यक्ति पहुंचते हैं ऑडिशन के लिए। ये हास्य बन गया है, तो चलिए आप और हम मिलकर देखते हैं किस्सा ऑडिशन का। तो हुआ क्या, एक बार हमारे डायरेक्टर साहब बैठे थे इंतजार में, तीन आर्टिस्ट के इंतजार में। तो चलिए देखते हैं। ऑडिशन के लिए आना है, एक्टर बनने का सबको शौक लगता है, पर एक्टर बनने के टाइम पे आने का शौक नहीं होता। कहाँ रह गए वो लोग? अब मैं किसका ऑडिशन? कह रहे थे ऑडिशन के लिए टाइम से आना है। सर जी, ऑडिशन के लिए आए है। ऑडिशन? अभी कौन आ गए नमूने से? अच्छा, तुम आए ऑडिशन देने के लिए? हाँ जी सर जी, हमें सौरभ ने भेजा है। यू कह रहा था पिक्चर का ऑडिशन चल रहा है, दे दोगे तो हीरो बन जाओगे। ओ, उस सौरभ कोऑर्डिनेटर ने। अच्छा ये तो बताओ, इससे पहले किस नौटंकी में काम करते थे तुम लोग? तरीकी, आपको कैसे पता चला सर? हम ना रंगरसिया नौटंकी में काम करते थे, रंगरसिया। वैसे भी तो खाली बैठा हूँ, नौटंकी वजह से ले ही लेता हूँ ऑडिशन, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओ भाई, जरा इधर आना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो भाई, तुम लोगों को मैं एक थीम दे रहा हूँ, ठीक है? ऑडिशन के लिए आए हो ना? थीम क्या है कि एक बहन श्रृंगार कर रही है, दूसरी बहन उसके पास जाएगी, बहन मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर सुन लो, डॉक्टर को बुला लो। बहन डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर को कहेगी मेरी बहन के पेट में दर्द है। अरे अभी पूरा तो हो जाने दो, तो वो डॉक्टर कहेगा मैं क्या करूँ? अरे भाई अभी नहीं समझे। फिर उसके बाद डॉक्टर आता है, बहन को इंजेक्शन दवाई देता है, बहन मर जाती है। क्या हुआ? एक बात तो भूल गए। क्या मूड? क्या सीन का मूड? मूड तो बताओ। मूड इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल। अबे क्या समझ गए? पता नहीं समझ क्या गए, इमोशनल। दिल की धड़कन की आवाज दिया, क्या हो गया? हाँ बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो जब मैं क्या करूँ?
लाला अभी जाती है। मुझे मेरे दिल की धड़कन की आवाज नहीं आ रही है, क्या मैं मर गया हूँ? डॉक्टर साहब मेरी बहन के पेट में दर्द है। तो मैं क्या करूँ? आप डॉक्टर हैं तो आप घर चलिए। अच्छा। डॉक्टर साहब सर में नहीं पेट में दर्द है। डॉक्टर तू है या मैं हूँ मुझे पता है, इनके सिर में इंजेक्शन देना पड़ेगा। जल्दी लगा दीजिए। ये अच्छा रहा ना। अरे क्या था ये बेटे, नौटंकी में भी कुछ सीखा होगा तुमने। अरे ना कुछ भी एक्टिंग करोगे, एक चेहरे पे भाव आता है, एक नूर आता है, एक ग्लो होना चाहिए, एक मुस्कुराहट होती है। मेरे दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है, लगता है मैं मर गया हूँ। बोलो मेरी बहन के ना पेट में बहुत दर्द। अरे तो मैं क्या करूँ? अरे आप डॉक्टर हैं। अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, तो आपको चलना पड़ेगा। अच्छा तो फिर चलो चलो। अभी क्या था ये? क्या मैंने तुम्हें कहा इमोशनल ड्रामा करना है, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, आंसू की झड़ी लगा दी तुम्हें। फिर मैंने तुम्हें कहा कि हंस के श्रृंगार रस में देना, बत्ती से दिखा दी। फिर मैंने तुम्हें कहा कि अनुशासन में करना है तो तुमने सारी आर्मी डाल दी। ऐसी होती है एक्टिंग, एक एक्टिंग में एक एक्टिंग ड्राफ्ट होती है, एक एक्टिंग में सारे रस आते हैं। कभी हंसना है, कभी मुस्कुराना है, कभी आपको श्रृंगार रस में देना। ये किस एक्टिंग स्कूल में सीखी है तुमने? तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि एक्टिंग क्या होती है। अगर ये एक्टिंग होती है तो मैं इससे डायरेक्टली क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये एक्टिंग थी, तुमने पागल करने की एक्टिंग ले रखी है। ये मैंने कहा था मूड में आना है, ये मैं एक्टिंग थी। अरे सर्जी फिर तो आपने जो मूड बताया था उस मूड में तो पूरे डूब गए थे। अगर ये एक्टिंग है तो फिर मैं डायरेक्टली को आज से चलता हूँ। आप मुझे नहीं चाहिए, ये एक्टिंग थी, तुमने पागल करने की एक्टिंग ले रखी है। मैं कहता हूँ इमोशनल हो जाओ, तुमने रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो। तुम लोग निकल से डायरेक्टरी छोड़ रहा हूँ, कोई एक्टिंग नहीं, कोई डायरेक्टरी नहीं। तो देखा आपने क्या हुआ वहाँ पर? आपको कैसा लगा ये किस्सा? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे कलाकारों का अभिनय आपको कैसा लगा, ये प्रयास हमारा कैसा लगा, और हमारी ये हास्य नाटिका आपको कैसी लगी? बाकी डायरेक्टर को कैसा लगा है वो मैं आपको उनसे पूछ के बताऊंगी कि उन्होंने डायरेक्टरी छोड़ी है या अभी भी कर रही है। बाकी मैं आपको भूमिका में बता देती हूँ। डायरेक्टर की भूमिका में थी रमा गुप्ता जी, डॉक्टर की भूमिका में थे पंकज त्यागी जी, और बड़ी बहन के किरदार में थी निधि गोयल जी, छोटी बहन के किरदार में थी आंचल। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? क्या आपको भी हमने उतना ही गुदगुदाया? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरोनिका का रंगमंच जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफिशियल पेज फेसबुक पेज सरोनिका का रंगमंच, उसको भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।